नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे सिरका वाले प्याज। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और फटाफट बन जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं खाने के जायके को बढ़ाने वाले ये कलरफुल एंड टेस्टी अनियन। सिरका वाले प्याज बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे प्याज। ये लिए हैं मैंने करीब 18-20 प्याज हैं, छोटे वाले। इनको सभी प्याज में इस तरह से चीरा लगा देंगे। इस तरह हल्का सा कट लगाकर सभी प्याजों को एक साइड में रख देंगे। ये लिया है मैंने आधा चुकंदर, जिसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये लिया है 2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 3-4 हरी मिर्च है। हमारी सिरका प्याज की तैयारी हो गई है। 1 कप गर्म पानी है, जिसमें मैंने 1/4 चम्मच गर्म मसाला डालकर इसे उबाल लिया। इसे गर्म मसाले का फ्लेवर इसमें आ गया है। अब हम एक इस तरह का कोई भी जार लेंगे और उसमें सबसे पहले मैं डालती हूँ 1 कप पानी, जिसमें मैंने 1/4 चम्मच गर्म मसाला डाला था। ये डालेंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून चीनी, 1 टेबल स्पून नमक, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब डालते हैं प्याज। अब डालेंगे ये चुकंदर, बीटरूट्स जो कि हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब डालते हैं हरी मिर्च और ये अदरक के टुकड़े। अब इसमें डालते हैं हम 1 कप सिरका। इसे इसी प्रकार ढककर 1 दिन के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। सिरका प्याजों को रखे हुए पूरा 1 दिन हो गया है। चलिए अब इनको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर कलर आया है। हमारे प्याज तैयार हो गए हैं। ये प्याज 8-10 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। सर्दियों में इन्हें बाहर रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इन्हें फ्रिज में ही रखें। जब ये प्याज खत्म हो जाए तब इसी घोल में दोबारा नए प्याज तैयार कर सकते हैं। तो कैसी रही आज की हमारी ये आसान सी रेसिपी, कमेंट करके बताइएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।